आदाब नाजरीन, एनओडी टीवी पर आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हम हिंदू सो समेत इस कई वर्षों से राहगीरों के अंदर ठंडी मसाले की छांट प्रति रविवार 11 रविवार तक हर रविवार को 10,000 गिलास एक साल में 11 रविवार करते हैं। हम लोग 1,00,000 गिलास कम से कम राहगीरों में बिना किसी भेदभाव के हम लोग सेवा करते हैं। हमारे हिंदू सो समिति के अंदर हमारे उमा महेंद्र भाई का बहुत बड़ा सहयोग है साथ देने का। हम साउथ जोन DCP, साउथ जोन लॉ एंड ऑर्डर, साउथ जोन सफाई वाले, हमारे मीडियाकर्मी, हमारे सहयोगी जितने भी हैं, हम सबका धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हर साल हमारे को ऐसे ही हौसला अफजाई करे जो हम सेवा कर सकें हम किसी। हिंदू समिति और भी कुछ कार्य करती है? हाँ, हर जितने भी एक साल के जितने भी पर्व आते हैं, हनुमान जयंती आती है, रामनवमी आती है, बोनाल के जुलूस आते हैं, ये सब दीपावली के बाद में सरदार जियों का जो जुलूस निकलता है हमारे भाइयों का, सबके अंदर सेवा करती है हमारी। आपको कैसा ख्याल है कि पब्लिक का ध्यान बांटने, ये इंस्पिरेशन हमारे को, हम लोग, मैं पूरे दुनिया फिरता हूँ, मैं कई दुनिया में कई देशों में देखा मैं कि लोग मतलब सेवा के लिए बहुत आगे आते हैं। मैं 15 साल से मैं उसे इंस्पायर होकर मैं लोगों के अंदर सेवा के लिए हम लोग आगे आए। हमारी जितनी बड़ी टीम है वो सब सेवा के लिए आगे आए। इसे भाग्यनगर के पुराने शहर में हिंदू उत्सव समिति हर वर्ष, जैसा कि गर्मी के सीज़न में एक उत्सव के माध्यम से ये राहगीरों को, जो मुसाफिर रहते हैं, उन लोगों को छांछ पिलाकर उनकी प्यास बुझाते हैं। मैं उत्सव समिति का आभार व्यक्त करता हूं। उसी तरह पुराने शहर के दक्षिण मंडल के पुलिस आयुक्त श्री तेजस्वी सूर्या जी और असिस्टेंट कमिश्नर श्री विक्रम जी, इन सभी लोगों के सहयोग के कारण, उसी तरह GHMC के साउथ जोन के कमिश्नर, जोनल कमिश्नर श्री अशोक साम्राट जी, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो कि हमें इस कार्यक्रम को करने के, संपन्न करने के लिए हमें योगदान देते हैं। उसी तरह मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो कि हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में भाग लेकर, वो भी उनसे जितना भी हो सकता है समय देकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते। प्रति रविवार के दिन 1,00,000 राहगीरों को यहाँ पे, जी 10,000 राहगीरों को यहाँ पे छांछ पिलाने का काम करते हैं। आने वाले दिन में और भी इसका कार्यक्रम बढ़ाने का सोच है हम लोगों का, और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।